यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रामपुर जनपद में जिलाधिकारी के उर्दू गेट गिरवाए जाने पर शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान भड़क उठे और जिलाधिकारी पर आरोपों की बौछार लगा दी। आजम खान ने यहां तक कहा कि जिलाधिकारी को भाजपा के लिए माहौल तैयार करने के लिए भेजा गया है जिससे बीजेपी चुनाव जीत सके। ऐसे हालात में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं बची है, इसलिए हमें नेतृत्व से बात करनी पड़ेगी कि लोकसभा में गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारें या फिर चुनाव का बहिष्कार किया जाए। आजम खान ने जिलाधिकारी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। आजम खान ने कहा कि 6 तारीख को ही क्यों उर्दू गेट गिराया गया, क्योंकि यह तारीख नफरत की तारीख है। एक संदेश दे, कमजोरों को और खास तौर से मुसलमानों को टारगेट कर रखा है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहां के लिए बड़े मंसूबे हैं और सबसे बड़ा मंसूबा यह है कि रामपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा कराकर पूरे प्रदेश और पूरे देश में ये संदेश दिया जाए कि देखिए हम जो कहते थे वही सही था। आप ज़रा गौर करें कि उर्दू गेट को गिराने की तारीख 6 रखी गई, 6 तारीख एक संदेश देती है। ये दिल तोड़ने वाली तारीख है। इस दिन उर्दू गेट तोड़ा गया, ये कोई बहादुरी का काम नहीं हुआ, ये कोई शानदार काम भी नहीं हुआ।